हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका क्या हाल चाल है। मेरे ठीक ही होंगे आप? ठीक है। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो है वीडियोस इस चैप्टर के जो आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका 7 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया लगभग, है ना। अब ये जो आपका वीडियो नंबर 8 है, 8 या 9 शायद होगा, तो इसमें देखो पिछले वाले में मैंने आपको ना कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज तक बता दिया था, जिसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपको समझना है कि क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है, और इसके फिनोमेना भी होते हैं एक दो जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं। ठीक। तो वो भी आपको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? देखो, एक्चुअली मैं तुम्हें सबसे पहले अगर शुद्ध हिंदी बोले तो मैं समझाऊँ, मतलब आप क्या होता है इसके टाइम पर। देखो, जब लाइट जो होता है, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं लाइट, वो जब एटमॉस्फेयर इस एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो अगर एटमॉस्फेयर तुम्हारा क्या है, मीडियम के साथ है, एटमॉस्फेयर मतलब मीडियम के साथ मतलब जो पार्टिकल हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, लाइट की एनर्जी को, लाइट एक एनर्जी है, तो लाइट की एनर्जी को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है। उसमें ना जो लाइट का जो लाइट के की एनर्जी होती है वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के थ्रू डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। और डिफ्लेक्ट होती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है ना, बिखरने लगती है, स्कैटर होने लगती है। ठीक है। तो इसमें भी दो बातें हैं, वो मैं अभी बाद में समझाऊंगा आपको। मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा स्कैटरिंग बेसिकली है, स्कैटरिंग मतलब बिखरना। किसका बिखरना? एनर्जी का। किसके एनर्जी का? लाइट के एनर्जी का। ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि दिस इज द फिनोमिना इन विच लाइट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होती है, मतलब बिखर रही है तो डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। किसके साथ इंटरेक्शन होके? इंटरेक्शन मतलब मिलकर, पार्टिकल ऑफ मीडियम के साथ मिलकर, थ्रू विच इट पास, जिससे वो पास होता है, जिस मीडियम से वो पास होता है। सही है। तो बेसिकली ये आपका है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो तुम्हारा होता है, ये देखो दो टाइप के भी इस मतलब होते हैं, दो टाइप का मतलब टाइप किस बेस पर डिफाइन किया गया, ये भी आपको समझना होगा। टाइप डिफाइन किया गया है पार्टिकल, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की साइज और उस लाइट की वेवलेंथ के। वेवलेंथ आप जानते ही होंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि लाइट के पास वेव प्रॉपर्टी भी होती है, उसके पास वेवलेंथ होता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन दोनों पर बेस दो टाइप डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका इलास्टिक और रिले स्कैटरिंग, और दूसरा आपका इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो इलास्टिक और रिले स्कैटरिंग क्या होती है, ये आपको पहले समझना है। तो इलास्टिक स्कैटरिंग में होता यह है कि जो पार्टिकल होता है, जिसका एटमॉस्फेयर का पार्टिकल जो होता है, उसकी जो साइज होती है वो वेरी मच स्मॉलर होती है देन वेवलेंथ। वेवलेंथ से क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉलर होती है। और स्मॉलर होने की वजह से होता क्या है ना, कि जो लाइट की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाता। कौन? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। और बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाता, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है लाइट की इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी समझते हैं ना, इंटेंसिटी मतलब कितना चमकीला है लाइट, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता। कब? जब तुम्हारा क्या होता है, स्मॉलर साइज के पार्टिकल होते हैं तब। ठीक है। तो स्मॉलर साइज के पार्टिकल बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाते, जिससे लाइट की एनर्जी क्या होती है, एज इट इज़, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रिले स्कैटरिंग या इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक में क्या होगा, ठीक उल्टा, इन इलास्टिक में क्या होता है कि साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है, मच ग्रेटर होता है देन वेवलेंथ। ठीक है। और जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है पार्टिकल, लाइट की एनर्जी होती है, वो क्या करता है, कंज्यूम करने का काम करता है। कौन? वही पार्टिकल। तो कंज्यूम करता है, तो इस वजह से तुम्हारा क्या होता है कि फ्लक्चुएशन आता है इंटेंसिटी में, जो है डिक्रीमेंट आने लगता है, इंटेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि एनर्जी तो रास्ते में ही ख़त्म हो रही है, तो ऑब्वियसली कि एनर्जी कम होगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो डिस्पर्सन नहीं था, लेकिन डिस्पर्सन ऑफ लाइट में ये होता था ना कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है, विबग्योर। तो विबग्योर में सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो तुम्हारी होती है रेड लाइट की, और सबसे कम किसकी होती है, वायलेट की। ठीक। तो
अब इसमें मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि देखो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग प्रॉपर्टी वही अकर करता है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, मतलब जितना कम वेवलेंथ स्कैटरिंग नेचर उसके अंदर उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा वेवलेंथ स्कैटरिंग नेचर उसके अंदर उतना कम। ठीक है, तो रेड लाइट की स्कैटरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कम, और वायलेट की सबसे ज्यादा विबग्योर में। ठीक है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ से अब मैंने आपको ये दोनों देखो डिफाइन कर दिया। तो मैं अभी अब क्या बताया आपको कि जिस लाइट का वेवलेंथ जितना ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग प्रॉपर्टी उतनी कम, जिस लाइट की वेवलेंथ जितना कम उसकी स्कैटरिंग प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा। दैट्स वाई वी कैन सी वेरी क्लियरली रेड लाइट फ्रॉम वेरी फार, बहुत दूर से भी हम रेड लाइट को बड़े आसानी से देख सकते हैं, ना बड़ा क्लियर देख सकते हैं। इसीलिए जो डेंजर जोन वगैरह होते हैं वहाँ पर रेड लाइट लगाया जाता है, क्योंकि दूर से भी देखा जा सके। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग प्रॉपर्टी कम है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? ठीक, तो तुम्हारे अभी जो मैंने पहले आपको बताया कि जो इलास्टिक होता है उसमें यही चीज़ होती है, और इलास्टिक जो तुम्हारा स्कैटरिंग होता है ये लॉ ऑफ रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग को फॉलो करता है। वो क्या भी मैं बता रहा हूँ, पहले इन दोनों को मुझे डिफाइन करना था। तो ये दोनों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। इसमें ए जो है ये दिस इज द साइज ऑफ पार्टिकल, है ना, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट वहाँ, ये ठीक। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट याद रखना, बुक में लिखा हुआ है, पढ़िएगा आराम से। अब अगर मैं बात करूँ ये रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग की, ये क्या होता है, देखो आई है इंटेंसिटी और लैम्डा है वेवलेंथ। तो रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, इसकी लाइट की इंटेंसिटी होती है वो वेवलेंथ के 1/4, सॉरी वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग तुम्हारा क्या है, अकॉर्डिंग टू रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, जिसका वेवलेंथ कितना है लैम्डा, प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड लाइट, जो स्कैटर्ड लाइट में प्रेजेंट है, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ लैम्डा। वो कितने के किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 4th पावर ऑफ लैम्डा के। ये इंटेंसिटी किसकी है, जो स्कैटर्ड लाइट है उसके अंदर, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देख रहे हो लैम्डा अगर तुम्हारा कम होगा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू जितनी भी ज़्यादा होगी तुम्हारा उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, हमारी बात। तो ये तुम्हारा क्या होता जा रहा है, ये क्या है तुम्हारा रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, तो रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग को इस तरीके से हम डिफाइन करें, मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4। ठीक, अब मैं अगर तुम्हें बताऊं, ये मैंने इंटेंसिटी बोला है, इन स्कैटरिंग प्रॉपर्टी ध्यान रखना, स्कैटरिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, जितना ज़्यादा बिखर जाए, ठीक है, जितना ज़्यादा बिखर जाए का मतलब उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम, और इंटेंसिटी कम का मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ इससे, ध्यान देना इसमें कन्फ्यूज़ हो गए बहुत लोग। मैंने बोला कि स्कैटरिंग ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी कम मतलब वेवलेंथ क्या, अरे स्कैटरिंग का मतलब वेवलेंथ ज़्यादा। ठीक है, तो स्कैटरिंग तुम्हारा कम किसका होता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और स्कैटरिंग कम होता है मतलब कि इंटेंसिटी भी ज़्यादा ही होगी। समझ में आ गई बात, उसी तरीके से उल्टा कर लेना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है, ध्यान सुनोगे समझ में आता जाएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार करके देख लेना। अब आगे हम लोग आते हैं, ठीक है, ये तो था आपका लॉ ऑफ रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। देखो इसके दो फिनोमेना, ये दो दिख रहा है ना, देखते हो इसके फिनोमेना, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडियस अपियरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये दोनों आपके सिलेबस में है, समझिएगा। पहला ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर ब्लू ही क्यों दिखता है ये आपको समझना है। देखो मेरी बात सुनो, स्काई का कलर ब्लू इसलिए दिखता है कि देखो विबग्योर में ब्लू कलर क्या होता है, नीचे से थर्ड, ठीक। अब ब्लू कलर नीचे से थर्ड है तो उसकी वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, सही है। अब वेवलेंथ जब कम होगी तो वो तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा स्कैटर होगा, बात सही है। अब ज़्यादा स्कैटर तो जो स्काई से जो सनलाइट आती है, सनलाइट में आपको पता है वाइट लाइट है, सनलाइट वाइट लाइट है, उसके पास 7 कलर्स हैं विबग्योर। अब 7 कलर में जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या है, कम। अब वेवलेंथ कम होने की वजह से वो क्या है, स्कैटर हो रहा है ज़्यादा। अब तुम बोलोगे सर वॉलेट का सबसे कम है वो ज़्यादा स्कैटर होगा ना, इंडिगो का भी वैसे ही, हाँ बिल्कुल वॉलेट का और इंडिगो का ब्लू से ज़्यादा होगा, बट हमारी जो आई होती है
हमारी आई ब्लू कलर को ज़्यादा अच्छे से ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिबल है, ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिबल है। अगर मेरे पास तीन कलर है जिसमें से मुझे किसी एक की अपीयरेंस होनी है, तो ऑब्वियसली इन तीनों, कौन तीनों, वॉलेट, इंडिगो और ब्लू में ब्लू कलर मुझे दिखेगा। क्यों? गॉड ने दिया है सबके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आँख जो है ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, कि अब क्यों दिखाया। तो मैंने बताया ना कि ब्लू कलर का क्या वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम होने से तुम्हारा क्या होता है, ज़्यादा स्कैटर होता है, ज़्यादा स्कैटर होने से हमें स्काई किस कलर का सुनाई देता है, दिखाई देता है, सॉरी, किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का इस, ठीक है। बोलो, कुछ लोग बोलते हैं कि समुद्र का पानी ब्लू है इसलिए दिखता है स्काई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्काई ब्लू है इसलिए समुद्र का पानी ब्लू दिखे, ये बोल सकते हो, ठीक। लेकिन ब्लू कलर का स्काई दिखने के पीछे यही रीज़न है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अगला है आपका रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब मेरी बात सुना बड़े ध्यान से, टेंथ में था, ठीक है, मुझे याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। रेडिस जो अपीयरेंस होता है, जो लाल कलर का हमको दिखाई देता है सन कब, राइज और सेट के समय, वो इसलिए होता है ना कि देखो सनराइज और सनसेट के समय सबसे दूर होता है उस समय अर्थ से, जो सन होता है वो सबसे दूर होराइजन पे सबसे दूर होता है, सबसे फार। तो सबसे दूर होने की वजह से हुआ क्या कि इतनी दूरी को ट्रेवल करके आने के लिए ये ज़रूरी है, इतना दूर को ट्रेवल करके आने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपका कम स्कैटर हो, ठीक है, कम, जितना कम स्कैटर मतलब जितना कम बिखरेगा उतना ही आसानी से पहुंचेगा हमारे, उतना ही अच्छे अमाउंट में पहुंचेगा। तो अच्छे अमाउंट में पहुंचने के लिए क्या ज़रूरी है, स्कैटर कम हो, और स्कैटर सबसे कम कौन होता है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है बिग बोर में, रेड का, समझ में आ रही बात। तो रेड जो है इसलिए कलर, रेड कलर का इसीलिए दिखाई देता है, बिल्कुल रेडिश, ठीक है, फुल मून बिल्कुल, ठीक है। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि वो दूर सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा दूर होने की वजह से उस टाइम सनराइज और सनसेट के समय सबसे दूर होता है, जिस वजह से वहाँ से ट्रेवल करके जो लाइट्स आती हैं हमारे पास, रेड लाइट ही आ पाता है प्रॉपर्ली, क्योंकि उसका स्कैटरिंग प्रॉपर्टी सबसे कम है। अब बात समझ में आ गई, तो ये रीज़न होता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका ये बेसिक फंडा था, इतना ही चीज़ें आपकी हैं कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके टाइप्स, उसमें तुम्हारा रीज़न ऑफ स्कैटरिंग, और तुम्हारा क्या ब्लू कलर और रेडिश कलर का दिखाई देना किसका, ये दोनों फिनोमेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में है, ठीक। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपका इतना ही, बाकी आपका जो अगला दो टॉपिक मतलब बचा हुआ है, माइक्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, तो वो दो तीन वीडियो में वो भी मैं क्लियर करूँगा आपको। बाकी आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है, और बाकी पढ़ाई करते रहिए, ठीक, चलिए बाय।